और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके से है, जहां पर इकौना तहसील में पेशी कर अपने घर जा रहे दो लोगों पर रास्ते में रोक कर उन पर विपक्षियों ने हमला किया। इसमें दो सगे भाई घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पहुंचाया इकौना अस्पताल। एक की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने किया जिला अस्पताल भिंडगा रिफर। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके से है, जहां पर इकौना तहसील में मुकदमा लड़कर दो भाई एक साइकिल पर सवार होकर अपने घर मोहम्मदपुर राजा जा रहे थे। जब वो रास्ते में पहुंचे तभी विपक्षी घात लगाकर बैठे हुए थे और उन्हें रोक लिया। उनके साथ मारपीट की गई। काफ़ी देर तक वो खेत में ही पड़े रहे। ऐसे में जब इसकी सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को लाकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर एक की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भिंडगा के लिए रिफर कर दिया। आपको बता दें इकौना थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राजा निवासी 55 वर्षीय चंद्रभान मिश्रा पुत्र राधिका राम मिश्रा तथा उनके भाई उदयभान मिश्रा 50 वर्षीय पुत्र राधिका राम मिश्रा एक साइकिल पर सवार होकर तहसील से अपने घर मोहम्मदपुर राजा जा रहे थे और रास्ते में ही विपक्षियों ने इन्हें रोक लिया, जिनके बाद दोनों के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट की घटना में दोनों लोग घायल हुए। दोनों को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक के हाथ में फ्रैक्चर बताते हुए उन्हें जिला अस्पताल भिंडगा के लिए रेफर कर दिया। घटना की जानकारी होने पर थाना अध्यक्ष समेत पुलिस बल भी इकौना तहसील से होते हुए इकौना के अस्पताल पहुंचा, जहां पर दोनों से बातचीत की गई। इसमें एक की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल भिंडगा के लिए रेफर कर दिया। इकौना इलाके के मोहम्मदपुर राजा के पास की यह घटना। कौन सा गिरीशचंद मिश्रा जी। ये चोट खाए ये कौन है आपके? हमारे भाई। क्या नाम है इनका? चंदभान और उदयभान। किसने मारा है, कैसे चोट लगी है? ये जितेंद्र तिवारी और बिथुड़ो प्रकाश तिवारी, उनके साथ में 4-5 लोग और थे। कहाँ पर? ये नगुला बाबा से पश्चिम साइड में, मतलब गांव के पास, नारायणपुर रास्ते पे। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग पेशी करके घर जा रहे थे। तो ये लोग पहले से कोई मामला था आप लोगों का क्या? मामला जो भी रहा हो उनके इनके बीच में है, जो अलग बात है, मगर ये मारपीट किए हैं। हम पंचायत भवन या कलर का काम कर रहे थे, तुरंत हम वहाँ पे, हमारे पास फोन गया, हम वहाँ पे फिर आए। किससे लेके आए हो? अब एम्बुलेंस आई है, एक घंटे बाद हम लेकर आए हैं। दोनों आपके सगे भाई हैं ना? सगे भाई। मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले 6-7 लोग थे। सब आपके गांव के हैं? नहीं, हमारे गांव के नहीं, बाकी बाहरी थे, उसमें 5-6। आपके गांव के? हमारे गांव के 3 आदमी थे खाली। कौन कौन? जितेंद्र और विष्णु प्रकाश और त्रिपति। नाम है रामावती। कहाँ घर है? मोहम्मदपुर राजा। ये जो चोट खाई है कौन है आपके? एक पति है, उदयभान पति है, चंद्रभान मिश्रा हमारे जेठ है साहब। उसने मुकदमा लड़के यहाँ पेशी करके तहसील से वो जा रहे थे, ये 8 लोग मिल के मारे है इसको। कहाँ पर मारे है? नथापुर वाले जाओ नारायणपुर होके, तो ये खेत से जाते थे, वो गाड़ा बैठे हुए थे पहले से ही। हाँ, पहले से साहब। ये पुलिस कैसे आ गई? पुलिस को आपने बताया था? पुलिस बाद में, जब हम बाद में जान पाए थे साहब, तब ये जो हमारा देवर है, ये जो इसके पास फोन गया था, ये भाग गया, हम बाद में जान पाए थे, हम आए हैं। तो इन लोगों लाया कौन अस्पताल? कौन लाया? थाने पे लेके आई थी कि अस्पताल आई थी? अस्पताल सीधे आए, अभी थाने पे है मैंने साहब, उसका जा उठ पाते नहीं रहे, तो थाने पे कहाँ से आई है। तो पुलिस कैसे आई? पुलिस फोन किया तब आया। श्रावस्ती जनपद के इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों को भर्ती कराकर काफ़ी देर तक डॉक्टरों ने उनका उपचार किया, लेकिन एक की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल भिंडगा के लिए रेफर कर दिया। दोनों सगे भाई एक ही साइकिल पर सवार होकर अपने घर वापस जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों इकौना तहसील आए हुए थे। इसमें पीड़ित व्यक्ति ने यह भी बताया कि उसके पास कुछ रुपये थे जो विपक्षियों ने छीन लिए और विपक्षी से जमीनी विवाद के चलते ये मारपीट की घटना प्रकाश में आई।
इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर दोनों को पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एक भाई की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल भिनगा के लिए रेफर किया गया। ₹25,000 बैंक से निकाली थी? बैंक से नहीं निकाली। ये सब पुलिस वाले पता के लिए है ना, तो कहीं हम बैंक से नहीं निकाले। कहाँ से निकाले? तो किससे लिए थे? किससे लिए थे? बुसैली से। और ₹25,000 लेके यहाँ आए थे तहसील? हाँ। वो भी छीन लिए? हाँ। और क्या छीने हैं? और क्या बताइए, और कुछ लेकर का चीज कहाँ ली है? वो मुकदमा लड़े आया रहा। दोनों भाई इकौना तहसील में किसी मुकदमे मामले को लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों अपने घर वापस जा रहे थे और रास्ते में ही उनके साथ मारपीट की गई। अब बताया ये भी जा रहा है कि इनके पास पैसे थे जो विपक्षियों ने छीन लिया और वो लगभग ₹25,000 थे। पुलिस विभिन्न एंगलों से इस मामले की जांच पड़ताल और कार्यवाही में जुटी हुई है। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राजा के निवासी हैं दोनों सगे भाई, जो इकौना तहसील से अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही इनके साथ मारपीट की घटना सामने आई। दोनों काफ़ी देर तक रास्ते में ही पड़े रहे, जिसके बाद इन्हें इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल भिनगा के लिए रेफर किया गया। क्या नाम है? जतिंदर है। आपका क्या नाम है? उदयवान। कहां घर है? उदयवान में सलाम मोहम्मदपुर राजा। चोट कैसे लगी है? कैसे चोट लगी है? कहाँ जा रहे थे? हम मुकदमा करके घर जा रहे हैं। कितने आप थे और कौन था? आपका भाई था? हाँ, हमारा बड़ा भाई। एक साइकिल से? साइकिल या कहीं से, उसी पे बैठे थे। अरे कितने लोग थे? वो पहले दो थे, लेकिन फोन करके पांच आदमी और मंगाया, तो वो डंडा लेके आए तो वो पैर में मारने लगे, गिरा दिए। हमारे भाई का हाथ पकड़ के छाती पे चढ़ के तोड़ दिया। वही उनको पहचान रहे हो? अरे वो दो तीन आदमी गांव का और चार का नहीं पहचानते। जगह पहचानते तो क्या नाम बताओ? जतिंदर थे, विष्णु श्रीपत। ये सब तो है गांव को है? हाँ। तो इनके कौन था, मामला चलता है, कहे मारे लगे? मामला खेते एक बात है क्या रहा, तो 12-14 बीघा जोते हैं, 10 बीघा बैनामा कराए हैं। अच्छा। तो हमारे जोते रहे तो हम कहा जोतो कहा वही खाते। तो आज जो मुकदमा आप लड़ने आए थे वो खेते वाला था कि कोई दूसरा मुकदमा? नहीं, वो दूसरा। अच्छा। वहाँ से आप घर जा रहे थे? हाँ जी। तो रास्ते में पकड़ के मारे? हाँ, पैसा था बैग लेके भाग। कितना पैसा था? ₹25,000 था। वो भी ले गए? हाँ। और कुछ कागज वागज? कागज 4-5 फाइल था, वो भी ले गए। किससे थे लोग? ये 6-7 लोग थे। किससे थे? 5 आए हैं बाद में, 2 पहले थे। तो ये किससे आए थे, मोटरसाइकिल से आए थे कि पैदल आए थे? मोटरसाइकिल से।